नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल अध्यक्ष रेस्टोरेंट माता जी। नमस्ते, आज हम रिएक्ट करने वाले हैं आर्यमन नाई के टेलर के ऊपर। तो देखा तो भाई, चौथा पार्ट रहने वाला है। बेसिकली भाई क्या था आर्यमन नाई का, जिसमें भाई मेन लीड करने वाले वो है भाई सुंदर सी और भाई तमन्ना रहने वाली इनकी एक्ट्रेस, जो कि भाई बहुत जाने मानी क्या बताए बॉलीवुड एक्ट्रेस भी है तमन्ना। तो देखा तो भाई ये हॉरर मूवी रहने वाली है। इससे पहले इसके 3 पार्ट भी आ रखे हैं जो कि हमने देखे नहीं थे, लेकिन भाई इसका चौथा पार्ट निकल के आ चुका है, जो कि अभी तकरीबन 4 घंटे पहले से क्या तो ट्रेलर निकल गया है। के थंबनेल से पता चल रहा है कि भाई काफी अच्छा मतलब मूवी रहने वाली है इसकी, और बाकी भाई काफी बड़े बड़े लीड भी काम करने वाले हैं इसके अंदर। तो वही देखते हैं क्या किस तरह का ट्रेलर रहेगा। तो बिना देरी करते हैं वीडियो स्टार्ट। ये बारेंगे सर, पुरुष मोंडाटी को ஏதோ தகராறு போல இருக்கு, அத நினைச்சு காட்டுக்குள்ள போனவர் நெஞ்சுவலி வந்து இறந்துட்டாரு. ஓகே, கோவத்தில் உங்க தங்கச்சி சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. என் தங்கச்சி சாவு தற்கொலை இல்ல. வக்கீல் தான் வேலையை கோர்ட்ல வச்சுக்கோ. என் தங்கச்சி தூக்குல தொங்கின அதே நேரத்தில் அவளை வெளியில பார்த்ததா சொன்னாங்க. இதே ஆள அன்னைக்கு உங்க தங்கச்சி இடத்துல மார்ச்சதுல பார்த்தேன். என்ன சொல்றாரு அந்த சாமியாரு? ஏதோ பாக்குன ஒரு பேயை பத்தி சொல்றாரு சார். இது நைட் யாரு நம்ம சக்தி ரூம்ல ஒரு உருவத்தை பார்த்தோம். தயவு செஞ்சு உங்க சக்தியால அந்த பாக்க கட்டுப்படுத்த வேண்டியது. ஏற்கனவே 2 உயிர் எடுத்ததுனால இப்போ பலமாயிடுச்சு. இனி மனித சக்தியால அதை கட்டுப்படுத்தவே முடியாது. தெய்வ சக்தியால மட்டும்தான் காப்பாற்ற முடியும். நீங்க சொன்னதுதான் சார் கரெக்ட். அந்த சாமியார் தான் ஏதோ பண்ணியிருக்காரு. ஆனா இன்னைக்கு ராத்திரி என்னவோ நடக்க போகுதுன்னு மட்டும் தோணுது. திருவலா அன்னைக்கு 3 பேர் ஆத்மாவை அபகரிச்சிட்டா அப்புறமா துஷ்ட சக்தி மாபெரும் சக்தியா மாறிடும். लेकिन देखा जाए तो हॉरर भी ज्यादा इसके अंदर है, और थोड़ा सा ना थ्रिलर वाला काम हिसाब किताब इसके अंदर, क्योंकि इसमें जो हीरो जो है उसकी बहन जो है उसको मार दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि क्या वो सुसाइड कर रहा है, उसके भाई का कहना ये है कि यहाँ भाई किसी बंदे ने क्या मर्डर कर रखा है। तांत्रिक है, उसने वश में कर रखा है, जिसको दिखाया गया कारण भूल लेकर जा रहा है, तो उसको उनको लग रहा है मेरे को हिसाब किताब। और बाकी देखा है तो वाकई में बहुत बड़े बड़े मेन लीडर्स के अंदर ना, वो कहते हैं KGF का भी है, तमन्ना भी हो गई, एक वो क्या बोलते हैं उसमें कहते उसमें नहीं है क्या नाम है अपना, जेलर मूवी के अंदर भी क्या मोटा जो है, अच्छे खासे मेन लीड वाले बंदे हैं इसके अंदर। तो कहने की काफी बड़ी मूवी देखी जाए ना, काफी अच्छा लगा देखने भाई। और बाकी जब मूवी जाएगी मूवी देखेंगे, अगर हिंदी में आती है तो मजा आएगा देखने में। वो होता है ना, वो लड़के को पैर पकड़ के खींचता है ना, स्टार्टिंग और उसके बाद दिखाया है कि वो लड़की के लटकते हुए है ना, हाँ उसे फांसी से लगा रखा है, फांसी से लगा रखा है, तो लग रहा है किसी ने या तो मारा होगा। और ये भूत कहते दिखाया हो तो बहुत ही ज्यादा ड्रामा दिखाया, जो भोसार निकल के आते हैं ना वो थोड़ा अजीब सा लगता है बिल्कुल। और माता के पूजा पाठ दिखाए इसमें बहुत अच्छा दिखाया है, अच्छी रहेगी जिस तरीके से दिखाया है, फिल्म बहुत अच्छी होगी, अच्छी रहेगी और देखेंगे फिल्म। तो मतलब देखा जाए तो इसमें भगवान की ताकत दिखा रखी है, आखिरी में जाकर के जो 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 इंसान नहीं कर सकते, जो कुछ नहीं करते, वो भाई क्या तो माता शक्ति करके दिखाएंगी, क्या तो बचा के दिखाएंगे। मूवी आएगी तब देखेंगे भाई क्या हिसाब किताब रहेगा। तो देखिए वीडियो का विशेष देना, वीडियो अच्छी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कमेंट करें। तो अच्छे उतना ही, जय श्री राम।